नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एवरीडेज फिटनेस पे। आज हम बात करेंगे योगा के बारे में। देखो, योगा एक व्यायाम है, एक नेचुरल व्यायाम है, जिसके लिए हमें ना किसी की ज़रूरत पड़ती, ना किसी डंबल की ज़रूरत पड़ती, ना किसी मशीन की ज़रूरत पड़ती। ये एक व्यायाम है, सिर्फ हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे द्वारा ही किया जाता है। इसमें भारी जो भी है मशीन वगैरह की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती। योगा काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है, मतलब पुरानी मतलब बहुत सालों पुरानी है, राजा महाराजाओं के समय की है। वो भी अपने आप को नियमित रखने के लिए, अपने आप को कंसंट्रेटेड रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते थे। विधि क्या है? योग। प्राचीन काल में इस चीज़ का प्रयोग होता था, राजा महाराजा करते थे, लंबे लंबे शासनकाल, पूजा अर्चना, वनवास वगैरह, जैसे कि भगवान राम ने वनवास किया, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा उन्हें। तो जैसे जैसे वो गए, इसके बीच उन्होंने योगा का प्रयोग किया। तो योगा बहुत साल, 500, 700, 800 साल महाभारत काल से भी पहले का ये एक विधि है, जो भारत में इसकी खोज भारत में हुई थी। और बीच में ये छूट गया था मतलब इतना इसका कोई ट्रेंड नहीं था, इसका इतना कोई चलन नहीं था, लोग इसको इतना ज़्यादा मतलब इस चीज़ विधि का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी पीछे से 5 साल की बात करें, अब की बात करें, तो फिर से इस चीज़ का चलन आया, योग का प्रयोग करने लगे हैं, योग अपने जीवन में शामिल करने लगे हैं। जैसे कि एक्सरसाइजेज होती हैं, लोग बगैर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरीके से क्या होता है योग में किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अपनी बॉडी है, योग है, सूर्य नमस्कार कर लिया, सुबह सूर्य निकल रहा है, सूर्य के सामने खड़े होकर आपने हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे पूरा बॉडी को स्ट्रेच वगैरह कर लिया, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। देखो, योगा का क्या है, कोई नुकसान नहीं। सबसे प्लस पॉइंट ये है, कोई भी नुकसान नहीं है। आपको अगर अच्छे से नॉलेज है, अगर आप अच्छे से करते हो, इसे टाइमली करते हो, कंटिन्यू करते हो, डेली करते हो, चाहे योगा को आप आधा घंटा दे दीजिए डेली का, आधा घंटा, तो वो सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और अगर हम बात करते हैं योगा के अलावा और भी काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं, और भी काफ़ी व्यायाम है जो हम प्रयोग में ला सकते हैं। रनिंग तो हर कोई इंसान कर सकता है, जो चल सकता है वो रनिंग भी कर सकता है, दौड़ भी लगा सकता है। इससे क्या होता है, अपनी मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होंगी, तो इन चीज़ों का काफ़ी महत्व है अपनी ज़िंदगी में, अगर आप कुछ करना चाहते हो। दूसरा, हम अगर देखते हैं तो योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले, जो दिल के मरीज हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जिन्हें अवसाद की बीमारी है, जो बार बार में सोच, गंभीर सोच, डिप्रेस रहते हैं, उन्हें जिन्हें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें पेट संबंधी बीमारियां हैं, हर अंग का, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, हर अंग का अलग अलग व्यायाम है, अलग अलग योग है। और एक योग है ना, उस योग के द्वारा हम अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्रेश, मतलब पहले जैसा जो, मतलब बिल्कुल ओके कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बीच में तो छोड़ना ही नहीं है। बीच में क्या होता है कि लोग पता है क्या करते हैं, उनसे फॉलो तो होता नहीं है डाइट प्लान वगैरह, जो भी अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज, वो क्या करते हैं, वो अनाप शनाप चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, लीकर, दारू शराब ये पीते हैं। इन चीज़ों का नुकसान है, ये धीरे धीरे करके आपको जल्दी से इन चीज़ों का
जो साइड इफ़ेक्ट है वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हो तो ये चीज़ें आपको पीछे जाके अगर लाइफ में आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती जाएगी, एज आपकी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट दिखते जाएंगे। तो योगा करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप सुबह उठिए। कितने बजे? आप सुबह 5 बजे उठ जाइए अच्छे से। 5 बजे उठ के आप अपना प्रेस वगैरह जो भी है अपना काम वगैरह कर लीजिए, आप पौने घंटा अच्छे से। सबसे बढ़िया है आप 5 बजे उठे, आपने पानी पिया, आपने मैट लिया जो भी है, कोई कपड़ा ले लिया जो भी है, आप उस पर बैठ गए। सबसे पहले एक सबसे अच्छा और योग में ही है, आप उसमें ऐड कर सकते हो, आप ओम का उच्चारण कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का जो है स्तर है वो बढ़ता है। तो इन चीज़ों से क्या होगा, अगर आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें आएंगी आपके अंदर, आप सुबह सुबह कर रहे हो ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। तो ये अगर आप चीज़ें करते हो, आप ओम का उच्चारण करते हो, इन सब चीज़ों से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आप कुछ अच्छा अपना दिन का एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की स्टार्टिंग करोगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। पूरे दिन एनर्जी में रहोगे। एनर्जी का मतलब ऐसा होता है ना, बॉडी थोड़ा रिलीफ में आती है, बॉडी थोड़ा डाउन आती है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अपन डेली करोगे तो ऐसा नहीं है 2-4 दिन करके फिर छोड़ दिया, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, आपको डेली करना है। आधा घंटा तो निकाल सकते हो यार, बहुत काफ़ी ऐसे किसी के साथ वेलापंथी करना, घूमना फिरना, ये सब चलता रहेगा अगर आपको अपना अच्छा करना है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैंने बता ही दिया इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारे बेनिफिट्स हैं, नुकसान तो कोई है ही नहीं योग का है अपनी बॉडी के द्वारा है, वो तो है ही। तो सबसे बेस्ट है अपना, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा योग के वजह से, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल, आइज़ के लिए अच्छा है, आपकी ग्लो आएगा बॉडी पे, आपके जो भी है आपका पेट के संबंधी जो बीमारी है, आपका पेट निकल रहा है जो भी है बाहर साइड, बॉडी के साइड में जो है आपकी चर्बी निकल आई है अपन बात करते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए किसी भी मशीन की, किसी भी तरीके के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको एक आपके घर में एक जगह होनी चाहिए छोटी सी, कहीं भी आप रहते हो वहाँ पे जगह है आपके पास, आप मैट वगैरह कोई भी चीज़ यूज कर लीजिए। अब उसके पास पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, सबसे बेस्ट है, जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे, पानी से बेस्ट तो कोई है ही नहीं चीज़। आप देखो जितना आप पानी पियोगे उतना आपकी बॉडी ग्लो करेगी, आपकी बॉडी ग्लो करेगी, आपकी बॉडी शाइन करेगी, आप अंदर पावर रहेगी। और योग आज का नहीं है यार, आज योग का बहुत पहले से है, राजा महाराजा भी तो करते थे ना, वो तपस्या करते रहते थे सारा दिन रात, उठते भी नहीं थे। आज के लोगों से ये सब नहीं होता, वो तो एक दो दिन, वो तो ढोंग प्रकार का करते हैं, रेगुलरिटी तो है नहीं। आज का जो युवा है वो ग्रस्त है, काफ़ी बीमारियों से ग्रस्त है, इतनी चिंता करते हैं, अपना फोकस है ना कोई नहीं है, उन्हें एम ही नहीं है, उनका मतलब एम ही नहीं है कोई, कि हमें लाइफ में करना क्या है, हम किस दायित्व से यहाँ पे आए हैं, हमें हमारी हमारा फ्यूचर क्या होगा, कुछ नहीं है। ऐसे ही मतलब सुबह उठे, दोस्त मिले, कोई भी एक्स वाई जेड, उन्होंने काम किया, सो गए अपना, फिर सो रहे हैं रात को, फिर लेट तक फ़ोन चला रहे हैं। सबसे बड़ा है फ़ोन, मैं सही बता रहा हूँ, आप जो भी सोचते हैं, आप जैसा भी बोल लेंगे, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट जो सच है ना वो बता रहा हूँ। मैं भी फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं भी करता हूँ, बट ये गलत है। हर चीज़ का टाइमली यूज़ करो, हर चीज़ का लिमिट में यूज़ करो। कोई भी चीज़ है अगर उसे हम अति से ज़्यादा यूज़ करते हैं, अति से ज़्यादा किसी चीज़ को हम खाते हैं, पीते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो नुकसान करती है। तो लिमिटेड हर चीज़ का अपना अपना पहले एम बनाइए जो भी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान तैयार कीजिए, हमें आज इतना करना है। स्टेप बाय स्टेप एक प्लान बना के अगर कोई काम करोगे तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। और मैं बोल रहा हूँ योगा से बेस्ट कोई है ही नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको योगा मतलब क्या है, ध्यान। आप आज का युवा क्या कर रहा है, आज का युवा
आज का युवा जो है वो ध्यान से भटक रहा है, उसका ध्यान है ही नहीं, समझ रहे हो ना, वो ध्यान से भटक रहा है। तो वो ध्यान ही तो लगाना है हमें, वो ध्यान ही तो करना है। अगर हमें हमारा ध्यान आ गया तो हमें क्या है, हम अपने गोल की तरफ अगर सर हो ही जाएंगे। तो भाई है, योगा सबसे बेस्ट है, अपना बॉडी भी सही रहेगा। और दूसरी चीज़, योगा के साथ साथ या हमारे बॉडी से जो भी, तो अपना खान पान जो है, अपना जो डाइट प्लान जो हम खाते हैं उसमें ज़रूर अपना चेंज कर लीजिए। फास्ट फूड खा रहे हो तो उसे बंद कर दीजिए, सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात अगर हम डाइट प्लान चेंज नहीं कर पाते हैं तो इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड ये बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है गाइस, हाँ तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।